हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आप सभी को देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से पावनी का पहला गाय, होप कि सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट और अभी बजे हैं सुबह के 8:30। तो मेरे ब्लॉग में लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो मेरी अम्मा गई है खेत में बाणुला अम गोड़ने व मेथी, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों, मेरी अम्मा यहाँ पे गोड़ रही है मेथी। अम्मा की गोड़न ही मेथ क्या पर गोड़ी पले बनून बल हम झुल बनून बल और हमारे लाले जम गए बहुत अच्छे और मेथले, तो तुम लोग देख सकता। और यहाँ पे हमारे हैं बैगन के पेड़, हमने यहाँ से बहुत सारी बैगन अम्मा बहुत खाने साले मिल बैगन। अब अम्मा गुणा ये उखाड़ दिनू फीकी बोए नमा इनमें पालंग बोए नमे पालक बोएंगे फिर हम इसमें। तो अभी हम इसको उखाड़ देते हैं। अब तो ये वैसे ज्यादा टाइट तो नहीं हुआ होगा क्योंकि कल बारिश हो रही है, तो ये ऐसे ही उखड़ जा रहा है। अब इसकी फसल नहीं होती है बल अम्मा, अब इसको उखाड़ देते हैं बल। इसकी सब्जी हमने इस बार बहुत ज्यादा खा दी है, बैगन की सब्जी। एक बैगन अभी भी लगा हुआ है यहाँ पे छोटा छोटा, तो बारिश की वजह से ये एकदम ही उखड़ जा रहा है। कुदाल की जरूरत भी नहीं पड़ रही है इसको उखाड़ने में। हाँ, उखाड़ने का मन तो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने बहुत सारी सब्जी इसमें से खाई थी सी बोर हम। बट मैंने मिर्ची का पेड़ भी तोड़ दिया, मेरे को अम्मा मारेगी। अम्मा खुश है नहीं, बोर्ड टूट गयो, मैं कहूँ जिसके टूटने टूट गयो गलती टूट गयो। तो अभी मैं आई हूँ अपने गार्डन में, मैं तोड़ रही हूँ यहाँ से तुरई सीला चाची के लिए, एक ही मिली है अभी तक तो, और ढूंढ रही हूँ मैं। तो गाइस ये आधा ही टूट गया है, आधा वहीं रह गया है। हमारे प्यारे प्यारे हाजरी की फूल भी हो रहे हैं बट बारिश की वजह से पूरी टहनी नीचे को आ गई है। और शीला चाची हमारी अभी खेत से आ रही है और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, पूरा कचार कचार अभी तोड़ा तो रहे। तो ये है कुनन घुंघट्टी बना रहो चाची लल्लई, आप तोड़ना ना तो रहे। आधा आधा कटी गया है, फेंक तो नीचे आधे आधे दो काट दिए इसने, शीला आधा हो रहे। यहाँ कहाँ से आया ये गेट। तो इतने ही हो रहे थे बड़े बड़े तुरई, अब इनको ले जा रही है शीला, ये ले। तो सीलू ले गई तुरई, अम्मा ने कर दिया नाती से बात। मैं कहीं करो नहीं तू फसक नाती इलाने पर क्यों कुण ही थी नाती क्यों कुण अम्मा कुण पहला कुण है मैं। अच्छा हेलो गर हेलो का दे का साइज आ को दे हेलो जोरेल का ठीक ठाक हेलो ठीक ठाक साइज आ। तो मैंने कर दी अपनी नाती के लिए बात और शीला चाची ले गई हमारी तुरई थोड़े से तोड़ के, थोड़े मैंने तोड़े थोड़े उसने। हाँ फोन अंदर भीतर हूँ, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। यहाँ पे बुआ की और अम्मा की बातें चल रही है। 100 रुपए ताल सुन जो। तो दोस्तों अभी बच चुके हैं 4:00 और हम जा रहे हैं अमरूद लेने। कहा है तेरा कट्टा? आज हम थैला लेके आए हैं, पता नहीं कितने मिलते हैं अमरूद। मैं कल जाने वाली हूँ अपनी दीदी के घर, तो मैं दीदी के लिए तोड़ के ला रही हूँ क्योंकि कन्नू बोल रहा है हमारा दक्का दक्का करके, वो अमरूद के दाने को दक्का बोलता है। तो अभी हम जा रहे हैं उमरा बटून, शायद लाली अमरूद मिलेंगे वहाँ पे हमें। के नीचे बता रही हूं। तो यहाँ पे कुन्नू के बहुत अच्छे फूल हो रहे हैं और मैं भी मांग के ले जा रही हूँ उनसे 2-3 पेड़, तो मैं अभी यहीं छुपा देती हूँ। ये है और वहाँ पे हो रहे हैं जो रेड रेड वाले फूल, फूला नाम की हुआ मैं मालूम ना हो। तो अभी घर जाते टाइम ले जाऊंगी मैं, राजेश पता नहीं कहाँ चले गया दोबारा घर, तो अभी मैं यहीं पे छुपा देती हूँ इनको, वापस आते टाइम ले जाऊंगी। तो राजेश आ गया, उसके पापा ने बुलाया था, क्यों बुलाया? क्या डिब्बा? रंग का डिब्बा। अच्छा
तो हम पहुंच गए हैं उमरा बटून और राजेश तो चले भी गया है पेड़ में, तो मैं भी जा रही हूँ। तो दोस्तों मैं हूँ अभी लाली वाले अमरूद के पेड़ में। राजेश क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों नहीं हो रहे हैं? देखो नहीं मिल रहे। हाँ तो अभी मैं गिर गई थी। क्या खाऊं? तोड़ने के चक्कर में गई। रुक जा फिर दिखाती हूँ। तो मैंने तोड़ दिया है एक दाना, अब इसको चेक करते हैं रेड है या व्हाइट है। और इस वाले पेड़ के अमरूद बहुत ही यम्मी होते हैं। यहाँ पे हमारा भी खेत है, यहाँ नाम छू उमरा बटून। उमरा बटून और वो रहा राजेश। भाई गिर मत जाना भाई। नदी। तो मैं चढ़ी हूँ पेड़ में उमरा बटून ला, और भी दो अच्छे अच्छे अमरूद रहने हैं फूल फूल वाले। और मैं तो नहीं हूँ कन्ना पर। और आप लोग बोलते होंगे कि रोज रोज लड़की अमरूद दिखाती है, तो आजकल हमारे गांव पे अमरूद का ही सीजन चल रहा है। हम लोग खाना कम खाते हैं, अमरूद ज्यादा खाते हैं। तू खाती होगी? मैं तो खाता ही हूँ। हाँ ये मैं नहीं खा रही खाना आजकल, तुमको पता है मैं अमरूद ही ज्यादा खाती हूँ। बंद कर दो बच्चे। गाय का रखा है जिस टाइम जाए। हाँ ठीक है ले पकड़ दे। ये उसके लिए यार, सुनने के लिए। मेरे को भी देना खाने के लिए। एक दूसरा रुपये मेरा भी मिल गया। तो यहाँ पे हम अमरूद तोड़ने आए हैं। यहाँ पे हो रहे हैं वो क्या बोलते हैं, आंवले। और यहाँ पे लोग चले गए हैं आंवले के पेड़ में, नाग से राजा। और कितना हल्ला कर रहे हैं। और राजेश बोल रहे हैं मेरे अमरूद तो दिखाओ। किस लिए तोड़ रहे हो तुम लोग आंवले? पानी मीठा तो रेड अमरूद। इसमें इतने अमरूद तोड़ दिए राजेश ने। अभी हम पहुंचने वाले हैं आंवले रहने यार, देख दिए मैंने। तो मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ चौपाता, उखाड़ा गांव, उखाड़ा बलगड़ी। तो मैं पूरा एरिया एक बार आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो हमने तोड़ दिए अमरूद। ये कन्नू के लिए मैंने तोड़े हैं। ये बोल रहा है कन्नू के लिए मैंने तोड़े हैं। इतने सारे आरती ने तोड़े हैं और इस कट्टे में मैंने तोड़े हैं। अब सब हम इनको करते हैं मिक्स। चलो फिर डालो इस पर। मैंने ये बड़ा दाना डाला है। हाँ ठीक है अपने के लिए। तो दोस्तों अमरूद तोड़ते तोड़ते रात हो गई है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय देवभूमि उत्तराखंड।